हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीषा है। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट्स। ये स्वीट डिश और स्नैक के जैसे हम खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 1 कप, पाउडर्ड शुगर 2 टेबल स्पून, कर्ड लेंगे हम 1/4 कप, मिल्क लेंगे 1/4 कप, साथ में लेंगे बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून और साथ में बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। तो चलिए शुरू करते हैं इसको अपना बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे अपना मैदा। इसमें हम मिलाएंगे 2 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर। ये अच्छे से फुल भरना है अपने को, 1 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर। अगर हम घर का नॉर्मल स्पून यूज कर रहे हैं तो वो आप 4 स्पून लीजिएगा। अब इसमें हम मिलाएंगे कर्ड और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको मिक्स करना है। अब इसमें डालेंगे अपना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अब इसको हम हाथ से एक डो तैयार करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क पूरा एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा ही नरम हो जाएगा। इसमें ज्यादा मिल्क नहीं लगता है, बहुत थोड़ा सा ही मिल्क लगता है। डो जो हमारा तैयार होगा वो बहुत नरम तैयार होगा, टाइट इसको हम नहीं तैयार करेंगे। ये बिल्कुल लचीला होगा, आपके हाथ से चिपकेगा। ये देखिए चिपक रहा है, बिल्कुल ऐसा ही ये होगा। बस ये बाइंड हो जाए अच्छे से हमारा डो और इसको ऐसे ही हमें छोड़ना है। बस 1-2 मिनट इसको हम अच्छे से मैश करेंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। बस ऐसे ही चिपकना चाहिए आपको, बिल्कुल ऐसा। देखिए इसमें हमारा ज्यादा दूध नहीं लगा है, बहुत ही कम दूध लगा है। 1/4 कप से भी बहुत कम दूध इसमें यूज हुआ है क्योंकि हमने दही पूरा लिया है। बस इसको हम अब आधे घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि ये फ्रेगमेंट होगा। आधे घंटे में इसमें बहुत अच्छा खमीर आ जाएगा, उसके बाद ही हम डोनट्स बना सकते हैं। आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। आधा घंटा हो गया है, इसको अब हम देखेंगे एक बार। पूरा इसमें अच्छे से खमीर हमारा आ गया है। बस इसको इसी तरह हमें मिक्स करना है। इसको हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके डो को अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इसी तरह से इसको ज्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा खमीर उठा है वो फिर अच्छा नहीं होता है। बस इसी फॉर्म में इसको लाएंगे, एक अच्छा सा पेड़ा बनाएंगे हम इसका। बस ये देखिए ये पूरा हमारा तैयार है, अच्छे से इसमें खमीर आ गया है। देखिए बस अब इसको प्लेटफॉर्म पे हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे इस तरह से। इसको यूं अपना रखेंगे, पूरे जो हमारा पेड़ा है उसको बस इस तरह से इसको हम करेंगे और बेलन से इसको अच्छे से मोटी थिकनेस, बहुत मोटी थिकनेस हमें इसकी चाहिए होगी, ऐसे इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। इसकी थिकनेस हमें ज्यादा पतली नहीं करनी है, इसकी थिकनेस मोटी ही रहती है। अगर जरूरत हो थोड़ा सा आटा दोनों साइड डस्ट करेंगे और इस तरह से इसको बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अपने पूरे पेड़े को अच्छे से बेल लेंगे, बस इसी फॉर्म में। इसको हमें पतला ज्यादा नहीं करना है, ये मोटा ही रहता है। और इसको अब आप एक डोनट कटर की सहायता से ऐसे कट करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा अपने आप, दोनों पोर्शन इसके इस तरह से। तो ये बीच का अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। इसको हम चाहे तो कटोरी से भी ले सकते हैं, किसी भी बाउल को आप सेट कर लीजिए, किसी छोटी गिलासी को आप ले लीजिए। ये एक कट किया, उसके बीच में हम ऐसे ढक्कन से दूसरा कट दे देंगे। बस इसी तरीके से अपने सारे डोनट्स बनाएंगे और इसको एक साथ निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सब इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है, ये सभी हमारे डोनट शेप में आ गया है। ये देखिए इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, अच्छी मोटी है। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। चलिए अपने चलते हैं ऑयल की तरफ। गैस बिल्कुल भी तेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे। एक एक करके देखेंगे कहीं फट तो नहीं रहे, फिर उसके बाद ही हम नेक्स्ट डालेंगे। जब ये ऊपर आ जाएंगे तभी हम इसको छेड़ेंगे, इसको एकदम से नहीं छेड़ना है। थोड़ा सा नीचे से जब ये गोल्डन होने लगेंगे, थोड़ा सा सिकेंगे, अपने आप जब ये ऊपर आएंगे ना उसके बाद ही हम इसको टर्न करेंगे। एक बार में कढ़ाई में जितने आएंगे हम उतने ही डालेंगे, उससे ज्यादा नहीं डालेंगे। देखिए ये थोड़ा थोड़ा फूलने लगे हैं हमारे,
बट अभी इसको हमें टर्न नहीं करना है, थोड़ा सा ये नीचे से सीखेंगे जब हम इसको अपना करेंगे टर्न। ये देखिए हो गया गोल्डन, ये बस इसी फॉर्म पे हमें इसको टर्न करना है, बिल्कुल स्लो पे इसको हम सीखेंगे। 4 से 5 मिनट लगते हैं एक पैच को सीखने में, पूरा अच्छे से जब ये सीख जाता है तभी हम इसको निकालेंगे। बार बार इसको हम छेड़ेंगे नहीं, बार बार इसको हम चलाएंगे नहीं, इसको अपने आप सीखने देंगे, नहीं तो टूटने का डर रहता है। ये देखिए हमारे सारे बनकर तैयार हैं, अच्छे से गोल्डन क्रिस्प आपको दिख ही रहे हैं, पूरे अच्छे गोल्डन क्रिस्प हो गए हैं। बस इसी फॉर्म में हमको ये निकाल लेने हैं। देखिए सारे मेरे तलकर तैयार हो गए हैं, अब इसको हम 10-15 मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद इसमें चॉकलेट से हम किसी भी तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। इसके इंतजार करते हैं हम 10 मिनट, जब तक मैं चॉकलेट मेल्ट कर लेती हूँ। ये सभी डोनट्स हमारे तलके तैयार हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं बिल्कुल, और चॉकलेट भी मैंने साथ साथ मेल्ट कर लिया। अब हम इसको डेकोरेशन करेंगे। ये व्हाइट चॉकलेट मैंने लिया है और एक ब्राउन चॉकलेट, बस इसको सिंपल लेना है और इसमें डिप करेंगे। ये देखिए डिप हो गए हैं और इसको इस तरह से रखते जाएंगे, इसी तरीके से इसको चॉकलेट में डिप करके हमको निकाल लेना है। सेम ऐसे ही हम व्हाइट वाले चॉकलेट को भी लेंगे और डिप करके इसमें डिप करेंगे अच्छे से और ऐसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हमको डिप करना है। आप डेकोरेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चॉकलेट से कर सकते हैं, जैम से कर सकते हैं। मैंने व्हाइट चॉकलेट ब्राउन चॉकलेट लिए। अब सेम कुछ चॉकलेट्स को मैंने ऐसे एक नॉर्मल पॉलिथिन बैग में भर लिया है और मेल्ट की हुई है ये बिल्कुल, इसको डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर ऐसे किसी भी तरीके से आप इसको डिजाइन दे सकते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं। मेल्टेड चॉकलेट है ये, तो आराम से स्प्रेड हो जाएगी इस पे। सेम चॉकलेट यही वाली मैंने ब्राइन वाली अपनी पाइपिंग बैग में भरी है और इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। चॉकलेट जल्दी जम जाती है, इसको गरम गरम ही लेना है। इस तरह से आप कैसे भी डेकोरेशन इसको कर सकते हैं। इसी तरह से आप डेकोरेशन कर दीजिए, इसके ऊपर स्प्रिंकल्स हम डाल सकते हैं। इसी तरह हमको सारे करने हैं, आप किसी भी डिजाइन में इसके ऊपर स्प्रिंकल डालिए, कैसे भी इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए मैंने सभी तैयार कर लिए अपने चॉकलेट्स में डिप करके, ये बहुत देखने में भी यम्मी लग रहे हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं ये, आप इसे जरूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल क्लिक करें। थैंक यू।